हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हफीज। आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको विंडोज का एक सीक्रेट कमांड बताता हूं। इस कमांड के जरिए आपके सिस्टम पर कौन से टाइम पे लॉगिन हुआ है, किस यूजर लॉगिन हुआ है, आसानी से जान सकते हो। यानी आप कभी एक बार देखिए कंप्यूटर ऑफ करके चले जाते हो और आप जब नहीं होते हो ना, दूसरा कोई बंदा आकर अपने कंप्यूटर आपका कंप्यूटर ऑन करके लॉगिन करने की कोशिश करता है या लॉगिन कर लेता है, या दूसरा यूजर कोई आकर लॉगिन कर लेता है दूसरे अकाउंट से, तो वो सब आप जान सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप एक दो दिन बाद बोलता हूँ, उसको ध्यान में रखिए। एक तो आपका देखिए जो विंडोज होता है ना, वो विंडोज 7, 8 और 10 पर ये काम करता है। और उसमें देखिए आपको ये विंडोज होम एडिशन होता है ना, उस पर ये वर्क नहीं करता है, और प्रोफेशनल एडिशन होता है ना, उस पर ही ये वर्क करता है। तो उसके लिए आपको एक दो तीन सेटिंग एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीपी एडिटर के अंदर जाकर आपको एक दो तीन सेटिंग्स एनेबल करना पड़ेगा। बाद में आप सिस्टम व्यूअर नाम का एक कमांड होता है, ठीक है, तो उस कमांड को डायल करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं देखने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप विंडोज 8 या 10 या इस्तेमाल करते हो तो देखिए आप यहाँ क्लिक करके इसको यहाँ सर्च करिए जीपी एडिट। ठीक है, जीपी एडिट टाइप करते ही .mac टाइप करते ही देखिए आपके पास इस तरह का एक आ जाएगा ऑप्शन, या आप इस कमांड को रन पर जाकर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 10 नहीं है तो आप रन पर जाकर भी इसको टाइप कर सकते हो। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। बाद में देखिए आप इस पर विंडोज सेटिंग्स है ना, इस पर चले जाइए। ठीक है, तो विंडोज सेटिंग्स पर जाने के बाद आपके पास दोबारा सा इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। बाद में देखिए आपको यहाँ एक सिक्योरिटी सेटिंग्स है ना, इस पर जाना पड़ेगा। बाद में देखिए इसमें आपको लोकल पॉलिसीज दिखाई देगा, इस पर जाइए। जाने के बाद यहाँ एडिट पॉलिसी है ना, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ ये एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा एडिट लॉग ऑन इवेंट्स है ना, तो इसको आप डबल क्लिक करोगे ना तो आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ एक्चुअली टिक लगा के रखा हूँ, तो आपको देखिए पहली बार ओपन करोगे तो आपको ये अनचेक मिलता है, तो आप इसको चेक कर दीजिए, यानी इसको टिक कर दीजिए। टिक करके ओके बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तब जाकर आपको ये काम करेगा। बाद में देखिए आप रन कमांड ओपन करिए। ठीक है, रन कमांड ओपन करने के बाद यहाँ इवेंट wwr.mac टाइप करिए। ठीक है, या देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी विंडोज 10 इस्तेमाल करते हो तो आप यहाँ से भी इसको इवेंट यहाँ से भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, इवेंट टाइप करते ही देखिए आपको यहाँ इवेंट व्यूअर आ गया है। ठीक है, तो इवेंट wvr.msc, ठीक है, तो इस तरह टाइप कर सकते हो, या देखिए आप इस यहाँ पर नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आप रन पर ही जाकर टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो मैं टाइप करके ओके बटन प्रेस करते ही देखिए आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ स्क्रीन में देखिए आपको यहाँ विंडोज लॉक्स ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इसमें यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करते ही देखिए आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। तो देखिए इस पर आप करंट लॉगिन यूज़र के बारे में जानना चाहते हो तो एक कोड याद रखिए, इवेंट आईडी है ना 6424। ठीक है, तो ये 6424 क्या करेगा, यानी सक्सेसफुल लॉगिन होते हैं ना उसके बारे में ये दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो नीचे, या यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने पर भी देखिए आपके उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स पता चल जाएगा। जैसे देखिए मैंने मेरे कंप्यूटर पर कब लॉगिन किया था, 5th day 1st को, तो 4:32 को मैंने लॉगिन किया था, अब 4:45 हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से आसानी से जान सकते हो, और ये जो लॉगिन था ना ये सक्सेसफुल था। ठीक है, इसी तरह देखिए और भी आपको यहाँ बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं, इस कोड के बारे में भी आप जान सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप क्लिक करोगे तो ये भी दिखाई देगा, पर देखिए जो मैंने बताया था ना कोड, वो आपको देखिए प्रेजेंट यूज़र का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह आप आसानी से जान सकते हो कि कौन कौन आपके कंप्यूटर पर कितने टाइम पर, यानी यहाँ देखिए टाइम के साथ आपको दिखाई देने लग जाएगा कि किसने आपके कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए ट्राई किया है। ठीक है, या इसे समझ सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कब किसने ऑन किया था। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि आप जब घर पर नहीं होते हो ना, या आपके कंप्यूटर के पास नहीं होते हो ना, उसको शटडाउन करते हो ना, तो किसने कंप्यूटर ऑन किया है इसे आसानी से जान सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी टेक ट्यूट्स।